बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लियो अवतार। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे प्रसिद्ध नगरी है। बता दे अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर माना गया है जिसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। अब वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है, अब बस हर जगह राम नाम की गूंज होगी क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है जिसके लिए ना जाने कितने सालों तक राम भक्तों ने लड़ाइयां लड़ी है, तब जाकर प्रभु श्री राम की स्थली अयोध्या वापस मिली है। जी हाँ, अब हर घर, हर मंदिर, हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में भगवान राम के भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। हर भक्त के अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। आज हम बात करेंगे राम मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में और जानेंगे इसकी खासियत के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति राघव, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है और पूजन प्रक्रिया की शुरुआत 16 जनवरी से शुरू होगी। बता दें इसके लिए 2 मंडप, 9 हवन कुंड और 121 पुजारियों को शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि स्कंद पुराण में अयोध्या नगरी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर बसी हुई है और धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा, मनु, देव शिल्पी, विश्वकर्मा और महर्षि वशिष्ठ को अपने रामावतार के लिए भूमि चयन करने के लिए भेजा था। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा ने इस नगर का निर्माण किया और बता दे अयोध्या पर राज करने वाले राजा दशरथ अयोध्या के 63वें शासक थे। अयोध्या का क्षेत्रफल की बात करें तो यह 2522 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ अवधी भाषा बोली जाती है। इस समय अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके लिए कई देश भर के हजारों लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं। यह कहना बिल्कुल सही होगा कि जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से अयोध्या एक पर्यटन स्थल की श्रेणी में आ चुका है। धार्मिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान राम के धाम जाने के बाद अयोध्या नगरी वीरान हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान राम के साथ अयोध्या के कीट पतंगे तक भी उनके साथ चली गई थी। बताया जाता है कि ऐसे में भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या नगरी को दोबारा बसाया। इसके बाद सूर्य वंश की अगली 44 पीढ़ियों ने अयोध्या का अस्तित्व बरकरार रखा। मान्यता तो ऐसी भी है कि महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या एक बार फिर वीरान हो गई थी। मध्यकाल के समय की बात करें तो अयोध्या नगरी मगध के मौर्यों से लेकर गुप्तों और कनौज के शासकों के भी अधीन रही। यहाँ पर महमूद गजनी के भांजे सैयद सालार ने तुर्क की शासन की स्थापना की थी। 1526 ईस्वी में बाबर के सेनापति ने 1528 ईस्वी में अयोध्या में आक्रमण किया और यहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया गया जिसे 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान ध्वस्त किया गया। अब जल्द ही अयोध्या राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने राजस्थान में लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति भी तैयार कर ली है। बता दें बीजेपी मतदाताओं के लिए राम भक्तों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सभी 25 सीट जीतने के लिए अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर खास अभियान बनाया है। बता दें कि प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों से 100-100 यानी कि कुल 20,000 लोगों को अयोध्या ले जाकर रामलला के दर्शन कराएगी। बता दें कि यह अभियान 2 महीने तक चलेगा यानी कि 14 जनवरी से 15 मार्च तक। इसके लिए पार्टी ने इस अभियान के लिए 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी को भी नियुक्त कर दिया है। 22 जनवरी 2024 को पूरा देश राम में नजर आएगा। 7,000 विशेष मेहमान और 4,000 संतों की मौजूदगी में पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बता दें कि इस मौके पर विश्व के 50 देशों से और सभी राज्यों से करीब 20,000 अतिथि भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। पीएम मोदी 22 जनवरी को ठीक 11 बजे राम मंदिर में परिसर में एंट्री करेंगे और 12 बजे पूजा के लिए बैठेंगे। फिर पूरे देश की पवित्र नदियों और कुंडों से लाए जल से रामलला का अभिषेक होगा। करीब 3 घंटे तक पूजा होगी मगर
अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।